पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह 26 जुलाई शुक्रवार को होगा, लेकिन खेलों के महाकुंभ में भारत अपने अभियान की शुरुआत 25 जुलाई गुरुवार यानी आज से करेगा। भारत के कुल 117 खिलाड़ी 16 खेलों में हिस्सा लेंगे, जिसमें 69 मेडल के लिए प्रतियोगिता होगी। भारत अपने अभियान की शुरुआत तीरंदाजी से करेगा। तीरंदाजी में इस बार कुल 6 भारतीय खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 3 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। बता दें कि साल 2012 में लंदन ओलंपिक के बाद पहली बार ओलंपिक में 6 भारतीय तीरंदाजों का तरकश उतरेगा। ये तरकश 5 मेडल की प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा। भारत चाहेगा कि पहले ही दिन से मेडल्स का खाता खुल जाए। इसके साथ ही आपको बता दें कि तीरंदाज अंकिता भगत ने अनुभवी दीपिका कुमारी को पीछे छोड़ते हुए पेरिस ओलंपिक महिला व्यक्तिगत रिकवरी क्वालिफिकेशन में भारतीयों में सर्वश्रेष्ठ 11वां स्थान हासिल किया। इसमें देश ने 4थे स्थान पर रहकर टीम स्पर्धा में क्वार्टर फाइनल स्थान हासिल किया है। बता दें कि डेब्यूटेंट अंकिता 666 अंकों के साथ भारतीय महिला तीरंदाजों में सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पर रहीं। उसके बाद भजन कौर 559 अंकों से 22वें और दीपिका कुमारी 658 अंकों से 23वें स्थान पर रहीं। टीम स्पर्धा में भारत ने 1983 अंकों से 4था स्थान हासिल किया, जिसमें दक्षिण कोरिया 2046 अंकों से शीर्ष पर रहा, चीन उपविजेता रहा, जबकि मैक्सिको तीसरे स्थान पर रहा। टीम तालिका में शीर्ष 4 टीमें सीधे क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करती हैं, जबकि 5वें से 12वें स्थान पर रहने वाली टीम राउंड 16 मुकाबला खेलेगी। भारत का सामना क्वार्टर फाइनल में फ्रांस और नीदरलैंड के बीच मुकाबले के विजेता से होगा। अगर भारतीय महिला टीम क्वार्टर फाइनल की बाधा पार कर लेती हैं, तो उसे सेमीफाइनल में मजबूत कोरियाई टीम से भिड़ना पड़ सकता है। कोरियाई टीम ओलंपिक में अजेय रही है। उसने 3 साल पहले टोक्यो में लगातार 9वां पदक जीता था। व्यक्तिगत वर्ग में कोरिया की लिम ने 694 के विश्व रिकॉर्ड स्कोर से तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि उनकी हमवतन सुहियोम नाम 688 अंकों से दूसरे स्थान पर रहीं। टीम की यांग 673 अंक से तीसरे स्थान पर रहीं। दीपिका पहली बार मिश्रित टीम स्पर्धा में नहीं खेलेंगी, क्योंकि अंकिता भारतीयों में शीर्ष पर रहीं। अंकिता पुरुष क्वालिफिकेशन में शीर्ष पर रहने वाले तीरंदाज के साथ मिश्रित टीम फाइनल्स में जोड़ी बनाएंगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि तीरंदाज अंकिता भगत ने अनुभवी दीपिका कुमारी को पीछे छोड़ते हुए पेरिस ओलंपिक महिला व्यक्तिगत रिकवरी क्वालिफिकेशन में भारतीयों में सर्वश्रेष्ठ 11वां स्थान हासिल किया। इसे देश ने 4थे स्थान पर रहकर टीम स्पर्धा में क्वार्टर फाइनल स्थान हासिल किया है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।